घटना भैया आप भाजपा कार्यकर्ता हिम्मत लगा के दिखा दो, हिम्मत तो लगा के दिखा दो। हमने तो मतलब मोदी की नौकरी कर रहे हो आप मोदी की नौकरी कर रहे हो, इलेक्शन चल रहा है, आप हमारे पार्टी कार्यालय को 3 दिन से सीज कर रखे हो और फिर सीज करना चाह रहे हो। इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, आप लोग ये बैरिकेड यहाँ से हटाइए। आप इधर आइए, आप इधर आइए, वो बुला रहे, मतलब चाहते क्या हो आप लोग ये बता दो। हाँ जी सर, आपके लिए नहीं लगा हमें बंदे साथ आएंगे बीजेपी वाले आपके कार्यालय हमने पट लेंगे बीजेपी वालों से। देखो हटा लो, देखो हमें देखो सुन लो आप हटा लो, अभी बीजेपी वाला कार्यालय पे लगाओ ऐसे बैरिकेड, उनके गेट पे लगाए हो, चले हम देखें अभी। हाँ उनके गेट पे लगाए हो, इसको आप ऊपर बात करो, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, या तो इसको हटाओ नहीं तो मैं बोलूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे बार बार करने के बाद यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाए हो, बीजेपी के गेट के बाहर इस तरह से बैरिकेड लगाया है आपने, बिल्कुल लगाया। बैठो गाड़ी में, चलो चलो मीडिया को लेकर चलो, दिखाओ मुझे, बैठो गाड़ी में, लगा हुआ बिल्कुल, चलो बैठो दिखाओ, फोटो खिंचवा के भिजवा दो, अभी चलो दिखाओ, मैं चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर लगा हुआ आप बीजेपी कार्यालय, अभी चलो बैठो, अभी देख लो जाकर आप। मैं जाकर मैं तो नहीं छोड़ सकता ना पॉइंट को, मेरे को इस पॉइंट पे लगा रखा है। नहीं तो यहाँ बैरिकेड क्यों लगा रखे हो आप गेट पर? नहीं लगा रखा, किसके आदेश से लगाया? गेट पर नहीं लगा रखा, किसका और क्या लगा रखा है? ये साइड में लगा रखा है, हमारे कभी लगता था यहाँ बैरिकेड? नहीं लगता था। फिर क्यों लगाया? साइड में लगाया ना, तो क्यों लगाया यहाँ? हमें कुछ अंदेशा था इसलिए लगा रखा। किस बात का अंदेशा है कि भाई कोई दूसरी पार्टी का आपकी यहाँ ना घुसे, अनऑथराइज्ड पर्सन ना घुसे? हमने मांगा है आपसे? आपने तो नहीं मांगा, हमने मांगा है आपसे? हमने जब नहीं मांगा तो ये बार बार बैरिकेड, बार बार बैरिकेड। हम अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके हटवा ले, बात करके हटवाओ आप, ठीक है? नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए, यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है, बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है, ये समझ के परे है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे।